साहब जी, साहब जी, साहब जी, सॉरी सॉरी, ये आपकी चाय साहब जी। थैंक यू सरला जी। साहब जी एक बात बोलो तुम्हें। बोलिएगा साहब जी। तुम इतनी खूबसूरत हो तो फिर ये काम क्यों? साहब मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, जो भी काम मिलता है मैं कर लेती है, वैसे मुझे और कोई काम देगा क्या? वैसे साहब जी आपने मुझे खूबसूरत बोला। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो, तुमसे जो प्यार करेगा वो कोई नसीब वाला होगा। अरे सरला हो गई सफाई? जी मैम साहब हो ही रही है। अच्छे से करना। जी मैम साहब। और आज खाना सारा अच्छा बनाना, बहुत स्पेशली। ठीक है। वैसे मैम साहब, हाँ आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ आज तुम्हारे साहब यानी कि मेरे हस्बैंड इंडिया वापस आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम साहब। तुम मिली नहीं हो ना उनसे अभी? नहीं, मैंने आपको और साहब को बस फोटो में ही देखा है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, आज मिल लेना। जी मेरे साथ। हाँ, और मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था, तुमने बताया नहीं। मेम साहब मैंने अभी सोचा नहीं है, वो मेरी माँ बीमार रहती है ना, तो अगर मैं यहाँ आ गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा? देखो मैं तुम्हारे फायदे के लिए यो कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा आना जाने का भी किराया बचता और घर में सेफ के सेफ रहती तुम। जी मैम साहब मैं सोच के बताऊंगी। ओके बता देना। अरे देखना सरला गेट पे कौन है। जी मैम साहब। जी आप कौन? काम आ रही सरला। ओ सोनिया ने बताया था मुझे। अरे सोनिया माय लव, आई मिस यू यार। आई मिस यू टू बेबी। वैसे मिस भी क्या है, ऐसे कर रहे हो? अरे तुम्हारी यादों ने तो वहां भी जान ले ली थी। बस बस अब ज्यादा मत छिपटो, कोई पीछे भी खड़ा है ये भी देख लिया करो। ओ, तो अपने रूम में चलते ना, वहां अपने अलावा कोई नहीं आएगा। अपनी जो नौकरानी है वो तो काम भी अच्छी करती है। हाँ अच्छा करती है। क्या नाम बताया तुमने? सरला। सरला। हाँ मैं भूलता नहीं हूँ ना। चाय हो? वाओ बहुत टेस्टी है चाय तो। टेस्टी है ना? हाँ? अरे सरला खाना भी बहुत टेस्टी बनाती अच्छा? है। बस एक गलती करती है। वो क्या? घर इतनी पास में तब भी लेट आती है। ओ नहीं साहब, वो क्या है ना कि सुबह मुझे बहुत काम होते हैं और ना मेम साहब मैं बहुत दूर रहती है। मैंने इसको बोला था कि तू यहीं पे रुक जाए, एक तो किराए के पैसे बचेंगे
और ऊपर से तू सेफ भी रहेगी। हाँ इसने सही बोला, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती? साहब वो घर पे मेरी माँ बीमार रहती है ना, तो अगर मैं इधर आ जाऊंगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? अरे हम सब है ना, मैनेज कर लेंगे। मैं सोच कर बताऊंगी सर। ओके वाओ, इतने अच्छे कपड़े, कितने प्यारे हैं, सो ब्यूटीफुल। मैडम मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं ना कपड़े। हाँ तुम्हारे साहब जी लाए। अच्छा हाँ। बहुत सुंदर है मैडम। कोई फेस्टिवल भी नहीं होता ना तब भी लेके आते हैं। बस एक बात बोलूं मैडम? हाँ बोलो। साहब आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ ये तो है। बहुत लकी हैं आप मैडम। थैंक यू सरला। साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी सॉरी सॉरी, ये आपकी चाय साहब जी। थैंक यू सरला। जी साहब जी। एक बात बोलो तुम्हें? बोलिए ना साहब जी। तुम इतनी खूबसूरत हो तो फिर ये काम क्यों? साहब मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, जो भी काम मिलता है मैं कर लेती है, वैसे मुझे और कोई काम देगा क्या? वैसे साहब जी आपने मुझे खूबसूरत बोला। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो, तुमसे जो प्यार करेगा वो कोई नसीब वाला होगा। साहब जी इतनी अच्छी अपनी किस्मत कहाँ, हाँ हमारे यहाँ तो सीधे शादी होती है, प्यार व्यार तो कुछ होता ही नहीं। सच में साहब जी? सच में। ओह सॉरी। चाय पी रही हो क्या? हाँ अच्छा। इधर आओ ना। अरे बस बस बहुत हो गया। ये हम घूमने गए थे बाहर, कितना अच्छा है ना? बहुत प्यारा है। और ये पता है ये लड़की जो खड़ी है ये सनफ्लावर लेके, सही में इसके पास सनफ्लावर है। मैडम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बैठो ना। मालकिन मैं सोच रही थी कि आपने सही कहा था, मैं ना यहीं रह जाती हूँ, इससे पैसे भी बचेंगे और थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। चलो अच्छी बात है, तुमने कम से कम देर में ही सही लेकिन ठीक फैसला तो लिया। अच्छा तुम एक काम करो, अपना बैग आज ही लिया, क्यों विकी? हाँ सही। ओके
हाँ तो सर। ओ यार, मैं यहाँ आया था, मैं सोचा कि तुमसे मिलते चलूँ। हाँ अच्छा, तो तू कितने दिन में आ रहा है? ओ 2 दिन में, ठीक है तुम आओ, यहाँ आओ फिर अपन मिलते हैं। हाँ चलेंगे ना, पार्टी वार्टी करेंगे थोड़ा, ठीक है? हाँ ठीक, बाय। ठीक है फिर मैं ऑफिस निकलता हूँ। ओके ओके, और टाइम से खाना खा लेना। हाँ बिल्कुल, बाय बाय। साहब जी, बैग मुझे दे दो। हाँ, ले लीजिए। ओ सरला जी साहब। ओ सरला जी साहब। मैम सब कहाँ हैं? वो तो मार्केट गई हैं साहब, बस आ रही होंगी। अच्छा, तुम ऐसा करो, एक गिलास पानी लेकर मेरे रूम में आओ। जी साहब। ठीक है। पानी। थैंक यू साहब। आप खुश तो हो ना? किस चीज से? वो मैं यहाँ पे रुक गई इसलिए। ओ हाँ, तुमने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा था। ओ सरला जी, एक सेकंड। ये क्या साहब जी? ये एक खूबसूरत सी लड़की के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट। सुंदर है। हाँ। ये तो कितना महंगा है साहब, ये मेरे लिए है? हाँ। तो पहले साहब? हाँ बिल्कुल। इसको ऐसे पहनते हैं। सरला, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। आई थिंक अब हमें एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए। अरे विक्की। हाँ हाँ बोलो। अरे ब्रेकफास्ट तो करते जाइए, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अरे मैं आज लेट हो रहा हूँ, आज ऑफिस में मीटिंग है ना, तो आज जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है, नाश्ता तो करते जाते। अरे कर लेंगे नाश्ता, लंच वो ऑफिस में कर लेंगे नाश्ता, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। साहब जी। हाँ। वो आप ना मैडम के ज़्यादा करीब मत जाया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम पागल हो गई हो क्या? वो मेरी वाइफ है। और मैं, मुझसे प्यार नहीं करते थे? अरे यार करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो वो जो हमारे बीच परसों हुआ था, वो क्या मजाक था? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसे सोनिया को अगर पता चला तो वो क्या सोचेगी, क्या करेगी, पता है ना तुम्हें। चलो मैं अभी लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को बात करता हूँ तुमसे। ठीक है।
सॉरी मैडम, वो क्या है ना कि आपका मरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपके होते हुए मैं आपके पति के करीब कभी नहीं जा पाती और वो कभी मेरे नहीं होते। अब मेरे और उनके प्यार के बीच कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। सोनिया, सोनिया, क्या हो गया? सोनिया, ये किसने कर दिया? सोनिया, ये किसने कर दिया? सोनिया, 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 उठ, ये किसने कर दिया? सोनिया, 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 उठ जा, सोनिया, उठ सोनिया। वो नहीं उठेगी, क्योंकि मैंने उसे इस दुनिया से उठा दिया है। ये क्या बोल रही हो तुम? ये क्या किया तुमने? आर यू मैड? हाँ हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में आ रही थी, तो मैंने मैंने इसका रास्ता साफ कर दिया। अभी अभी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। पुलिस को कर लो, पर उससे पहले ये देखो, ये देखो, ये क्या किया? अब तक तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इसके गले पर भी आ गए होंगे। अब सोच लो साहब जी, आपको जिंदगी भर जेल में रहना है या शादी करके मेरे साथ इस घर में आराम से रहना? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम समझो या ना समझो, तुम जेल में जिंदगी भर चक्की पीसो या यहाँ मेरे साथ रहो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा होगा कि जेल में रहने से अच्छा तुमसे शादी कर लूँ। लेकिन इस लाश का क्या करेंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं ये सब देख लूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो।